अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मदराज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुफ्तगू। गुफ्तगू पर मोहम्मद उमर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम जानने वाले हैं कि कलियाँ कैसे काटते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मास्टर हज़रात हैं, जो सिंगल सिंगल कली काटते वक्त परेशान होते हैं, उनके लिए ये वीडियोज है। आप देखें कि हम कैसे इसकी कलियाँ काटते हैं। ये देखें, इस तरह आपने तय लगानी है। पहले आप एक चीज़ का गौर से अपना या एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक ही रुख की रखनी है। ये देखें, इस तरफ आपने रखनी है। ये बड़ी साइड है, इसको बड़ी साइड पे रहने देना है। वो छोटी साइड है जो छोटी साइड पे रहने, ये छोटी दबाव वाली है छोटी साइड पे। इस तरह आपकी कलियाँ जो है ना आपकी बराबर आती चली जाएंगी। ये बिल्कुल इस तरह अच्छे से तसल्ली कर लें, इसको लेवल कर लें। लेवल करने के बाद आपने इसको ऐसे तय लगाते जाना है। ये फिर से एक पल्ला आएगा ऐसे, एक एक रिपीट जो होती है जैसे, वो आपने ऐसे ही इकट्ठी करके आपने इकट्ठी कटिंग कर सकते हैं इसकी। ये देखिए, पिछली वीडियो में मैंने वैसे मजाक किया था कि मुझे काम का पता नहीं है। बेसिकल मेरा काम यही है, मैं एक स्टिचिंग मास्टर हूँ और कटिंग मास्टर हूँ, सॉरी स्टिचिंग मास्टर मैंने कह दिया, वो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिचिंग भी करते हैं और कटिंग भी करते हैं। आपको दिखा रहे हैं, ये देखें, ये किलियाँ ऐसी कटिंग करनी है। ये बिल्कुल इजी हो जाता है। ये कम ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, आपने ऊपर से छोड़ के कटिंग कर देना है। बाद में जो है ना स्टिचिंग होने के बाद जो है ना छाटी होकर बाद में लेवल करके लगा दिया जाता है। हमारी वीडियो देखते हैं आप तो बराए मेहरबानी यार इसको सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें और कुछ ना कुछ कमेंट्स भी हमें किया करें कि हम हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, उसमें कोई बेहतरी हो तो वो भी आप हमें जो है ना वो बताया करें। हम आपके मोहब्बतों के जो है हम मुंतज़िर होते हैं। ये देखें, इस तरह कटिंग करनी है और फिर ये देखें इस तरह दबा छोड़ना है। ये देखें, ये दबा छोड़ के आपने अपने साइज़ के हिसाब से दबा छोड़ना है। उसके बाद जो है ना ये कटिंग हो जाएगी। ये देखिए कितना इजीली है, पहले उसका दबाव छोड़ के फिर इसकी तरफ देखें, ये ऐसे लेवल होती चली जा रही है। अगर आप में से किसी को काम पूरी तरह नहीं आता तो इससे बेहतर है कि सबसे पहले इसका आपने पैटर्न काटना है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह आप जो है ना एक जैसी कटिंग कर सकेंगे, वरना आप परेशान होंगे। ये देखिए, मुझे तो पैटर्न की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कर कर के काम जो है ना एक बंदे का एक्सपीरियंस हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही ज़रूरी होता है इस पर तवज्जो रखना कि कहीं कली नीचे से आगे पीछे ना हो, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वो कहीं आगे पीछे रह गई तो आपका कली का जो हाशिया वो ख़राब हो जाएगा। ये देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर आ रही हैं सेंटर। नाज़रीन, मैं हूँ मास्टर उमर, जिसका नाम है पूरा मोहम्मद उमर दराज। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब लाजमी किया करें बराए मेहरबानी। तो ये मेरा प्रोफेशनल काम है जो मैं करता हूँ, तो आप लोगों की खिदमत में बहुत सारी चीज़ें और भी इंशाल्लाह लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।